और अगर आपने बना भी दिया तो क्या आप गाली देंगे? आपने बना दिया तो क्या समझते हैं कि आपके तलवे चाटा दे ली, आपके पैरों के नीचे रहे दे ली? यही मन तो साफ आप बता रहे हैं कि हमने बना दिया था, मेरा गुलाम बन के इसको रहना चाहिए। गुलाम नहीं बना, ये गुलाम नहीं बना तो इसको हम कान पकड़ के बाहर। तो अजीब तरह की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से लगता है कि अब उनका जो संतुलन है, जो दिमाग का और शरीर का संतुलन होता है, बिगड़ चुका है। जदयू ने मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री बनाया, सबसे सब प्रथम देखिएगा नीतीश जी को बहुत प्रेम होता और जनता के प्रति, तो सीएम की कुर्सी पर चिपके रहते हैं, उनको पलटू राम लोग नहीं बोलता। मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी इधर उछल के चले जाते हैं, कभी उधर उछल के चले जाते हैं। और अगर आपने बना भी दिया तो क्या आप गाली देंगे? आपने बना दिया तो क्या समझते हैं कि आपके तलवे चाटा दे ली, आपके पैरों के नीचे रहे दे ली? यही मानसिकता आपकी है। आप यही कहना चाह रहे हैं कि हमने बना दिया है तो मेरा ऑर्डर मानो, तुम हमारा विरोध नहीं कर सकते हो, मेरे पैरों के नीचे जूती बहन के बन के रहो, हम जो कहें से सुनो, हम कहें दिन है तो दिन, हम कहें रात है तो रात। ये मानसिकता से चलेगा? ये डेमोक्रेसी की परिभाषा है? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देखा था? ये मेरा प्रियम्बल है, ये हमारे जो संविधान में हमारा जो 17 आर्टिकल्स कहता है, 14-16 आर्टिकल्स कहता है, 14-15 जो 21 सब आर्टिकल्स कहता है, ये सब आर्टिकल्स कहती है। तो कहने का मतलब है कि आप तो साफ आप बता रहे हैं कि हमने बना दिया था, मेरा गुलाम बन के इसको रहना चाहिए। गुलाम नहीं बना, ये गुलाम नहीं बना इसको हम कान पकड़ के बाहर कर दिए। बाजी नीतीश कुमार जी, आपने तो अपना चेहरा दिखा दिया, तो चेहरा जो आपका नजर आया है बहुत ही विकराल है, और ये विकरालता आपको लेकर क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन बनी है उसमें भी नीतीश जी को जगह नहीं मिलने के बाद वो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं? देखिए, घमंडिया गठबंधन की बात अब कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमको तो लगता है कि थोड़ा इम्बैलेंस में उसी कारण, जिस कारण से वो महागठबंधन बनाए और उनको लगा कि हमारी छवि बहुत साफ सुथरी है, पूरे देश में हमको लोग मान लेगा तो हमको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना लेगा। जिस हिसाब से कांग्रेस ने इग्नोर किया, उन गठबंधन जो बनाए हैं लोग वो इग्नोर करते गए, तो इनको अंदर कुंठित होने लगे। अरे कुंठा ही कहीं ना कहीं इनका बॉडी लैंग्वेज और इनके अंदर जो महत्वाकांक्षा था वो दबने लगा, तो इस तरह से एक्ट करने लगे, और ये एक्ट कहीं ना कहीं इनको ऐसा जगह पहुंचा देगा जिनका नामो निशान नहीं। सुशांत किशोर ने इन पर तंज करते हुए कहा है कि अभी जो उनका फिल्म का जो कास्टिंग होता है, जैसे मारधाड़ चलता है, उसके बाद क्लाइमेक्स खत्म हो जाता है, उसी तरीके से नीतीश कुमार का क्लाइमेक्स चालू होता है। निश्चित तौर पर देखिए, कोई व्यक्ति 17-18 साल से एक जगह पर है, लोग देख कर तो उब चुके हैं, और जो नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग थे, वो नीतीश कुमार जी दूसरे नीतीश कुमार जी, आज के नीतीश कुमार जी असहाय लगते हैं, बेसहारा लगते हैं, एकदम अजीब तरह से लगते हैं। आप लोग भी देखे होंगे टीवी के माध्यम से कि पत्रकार भाई उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो देख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। तीसरा व्यक्ति कोई नजर आता है, वो बताता है ये बोलिए, तब वो बोलते हैं। और आप देखे होंगे सदन के अंदर ही देखे होंगे, जिस समय जितेंद्र मांझी जी को बात कर रहे थे उस तरह से, तो उनके बगल के मंत्री उनको जबरदस्ती बैठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो झाड़ के बैठ रहे बैठो। कोई व्यक्ति अगर माननीय उप मुख्यमंत्री बता रहे थे उस समय, जब वो महिलाओं के ऊपर कह रहे थे, तो उनको कह रहे हैं तुम्हें तो नो गो है। तो अजीब तरह की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से लगता है कि अब उनका जो संतुलन है, जो दिमाग का और शरीर का संतुलन होता है, बिगड़ चुका है। और जब इस तरह का संतुलन बिगड़ चुका है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को क्या कहते हैं तो आप पहली बात सीएम बना रहना चाहिए, ये तो डिसाइड जनता को करना है, समय पर करेगी। अभी तो उनका जिस तरह से व्यवहार सदन का था, वो एक बड़े लीडर को हतोत्साहित करने वाला था, डिमोरलाइज करने वाला था। तो एक पूरी पार्टी चुकी आपकी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग तो ये बातों को शुरू से, हमारी पार्टी का यही मकसद है, यही हमारी विचारधारा है कि हम उन गरीब लोगों के पास जाके उनकी आवाज बनने का कोशिश करें, उनको जागरूक करने का कोशिश करें। और आप देखे होंगे कि यात्रा के माध्यम से हो, चैरैली के माध्यम से हो, और भी बहुत सारे माध्यम से हम लोग गरीबों को की आवाज बनते हैं, उनको आगे करने का काम करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो एक्ट किया है वो उन गरीबों को पिंच करेगा, और पिंच किया है, उनका सम्मान जाग चुका है, और निश्चित तौर पर और उनके अंदर एक उत्तेजना आएगी, और ये उत्तेजना एकता का प्रतीक होगा। तो इस मायने में नीतीश कुमार जी ने तो अपना चरित्र दिखा दिया, तो हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन उनके इस एक्ट से हम लोग और एक गति मिली है। और निश्चित तौर पर सब लोग जल्दी से, हम लोग पहले लोगों को इतना नहीं लग रहा था, लग रहा था नीतीश कुमार के प्रति लोगों को साइडो प्रेम था, लग रहा था नहीं नीतीश कुमार तो ठीक है, जीतन राम मांझी को बना दिए हैं, जरूर उनके अंदर दलित प्रेम होगा। लेकिन जब जीतन राम मांझी को बना
बना दिए हैं, उनको गाली देके बेइज्जत किए हैं, तो आप चरित्र का जो थोड़ा सा जो प्रेम था, शैडो प्रेम जिसको हम कह रहे हैं, वो भी उतर चुका है, अब साफ दिखने लगा है, अब नजर आने लगा है कि दलित प्रेमी कौन है, दलित विरोधी कौन है। इसलिए हम लोग का जो शुरुआत है, हमने जो एक जंग छेड़ी है उनको जागरूक करने की, उसमें और गति मिली है, तीव्रता मिलती है, और हम लोग आगे चलेंगे और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को 24 में 25 में उखाड़ देंगे।